जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास है उदयपुर। बच्चों डिजिटल चल रही थी और डिजिटल के अंदर मैंने दो चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए थे और फर्स्ट चैप्टर था अपना डिजिटल लॉजिक गेट और सेकंड चैप्टर था अपना डिजिटल नंबर सिस्टम। आज से बच्चों अपन थर्ड चैप्टर लेते हैं और थर्ड चैप्टर का नाम है मेमोरी यूनिट्स, जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मेमोरी के अंदर और मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी है। क्लियर बच्चों? मेमोरी डिवाइसेज की बात नहीं कर रहा मैं, मेमोरी यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर बच्चों? आज अपन आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी है? क्लासेज होली की वजह से थोड़ा सा मैंने ब्रेक दिया था, आज से रेगुलर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दो या तीन दिन का टॉपिक है मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स आज मैं केवल आपको यह बताऊंगा कि किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, इनमें अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, 2 की पावर में इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कल मैं आपको बताऊंगा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। क्लियर? इन दोनों में से याद रखिए एक एक क्वेश्चन फिक्स है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा और कल भी जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। क्लियर? दोनों क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था, लेकिन वाकई इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से सुनना। हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। पहले तो जय हिंद लिख दीजिए सभी, जो जो भी प्रेजेंट है। क्लियर? देखिए बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मेमोरी यूनिट्स। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मेमोरी यूनिट्स। क्लियर बच्चों? करते हैं स्टार्ट। तो देखिए देखिए बच्चों, आपके अकाउंट के अंदर ये वीडियो आ जाते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो टेक्निकल टीम को कॉल कीजिए, सारी व्यवस्था है। आपके वीडियो की स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपके वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, चाहे वो वीडियो के अंदर हो चाहे वो स्टोर के अंदर हो, आपको सारी फैसिलिटी दी जा रही है। क्लियर? तो आप टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए क्लास के बाद, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, थर्ड चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं डिजिटल का। आज तो केवल मैं बेसिक ही बता रहा हूं आपको, और ये मेरी आदत रही है कि पहले दिन आप बेसिक समझाइए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कल फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तीनों स्टैंडर्ड, IEEE स्टैंडर्ड। क्लियर बच्चों? IEEE के स्टैंडर्ड के अंदर भी क्लियर 1 byte 2 byte, क्लियर स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, बिग रिप्रेजेंटेशन, ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो कल बात करेंगे। चलिए आज बढ़ते हैं अपन। सबसे छोटी यूनिट मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स में सबसे छोटी यूनिट्स क्या होती है? बिट। अच्छा, बिट दो होती है बच्चों, 0 और 1। एक तो इसके ऊपर से बहुत क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो सुनिए मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मेमोरी इज कॉल्ड बिट। क्लियर बच्चों? मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? बिट। लेकिन अगर वो ये पूछ ले स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट क्या है, स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो याद रखना स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट बाइट आंसर देना। क्या आंसर दोगे? बाइट। क्लियर बच्चों? दिमाग में आ जाना चाहिए मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट कहलाती है। बिट दो होती है, 0 और 1। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो स्टोर जो डेटा होते हैं वो बिट में नहीं होते हैं, जो डेटा स्टोर होते हैं वो बाइट के फॉर्मेट में होते हैं। तो आंसर देना बच्चों आप बाइट। क्लियर? वॉइस इश्यू आ रहा है, हो सकता है थोड़ी तबीयत खराब है इसकी वजह से आ रहा हूं। वॉइस का इश्यू आ रहा है क्या? क्लियर वॉइस है? क्लियर है? ठीक है ठीक है। हो सकता है मेरी तबीयत खराब चल रही है 3-4 दिन से, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, बाकी चलो मैं धीरे बोलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है। क्लियर? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, क्या वर्ड बोला रिपीट करना, स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट ऑफ मेमोरी। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा बिट। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दूं, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी,
यूनिट ऑफ मेमोरी, तो बच्चों इसका आंसर बदल गया, स्टोरेज वर्ड लगाते इसका आंसर बदल गया और आंसर क्या आएगा बच्चों, बाइट। ये ध्यान रखना, दो चीजों में आप कंफ्यूज रहते हो और दोनों का आंसर सेम दे देते हो। क्लियर क्लियर बच्चों, याद रखिए फर्स्ट क्या बताया मैंने, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बिट, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी बाइट। याद रखना मेमोरी होती है, मेमोरी होती है रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, इनमें जो डेटा स्टोर होता है वो बाइट के फॉर्मेट में होता है, एक एक बिट के फॉर्मेट में नहीं होता, बाइट के फॉर्मेट में होता है, पूरी बाइट एक साथ, आठ लोग एक साथ। क्लियर बच्चों, तो स्टोरेज यूनिट पूछे, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी तो आंसर देना बाइट, और मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट पूछे तो आंसर क्या देना बिट। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है तो बताइए। क्लियर बच्चों, एक बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, सुनना बच्चों, बिट कौन कौन सी होती है, दो बिट होती है, जीरो और वन। क्लियर बच्चों, एक वो ये पूछे मेमोरी, मेमोरी ट्रांसफर यूनिट, ट्रांसफर यूनिट यूनिट इज, तो याद रखना बिट पर सेकंड, बीपीएस, बाइट नहीं होता, ध्यान रखना मेमोरी ट्रांसफर यूनिट बिट होती है, बिट। याद रखना मेमोरी ट्रांसफर किसमें होती है, बिट के फॉर्मेट में होती है, बिट पर सेकंड। क्लियर बच्चों, ये याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर किसमें क्या आंसर आएगा, मेमोरी ट्रांसफर यूनिट इज बिट पर सेकंड। याद रखना मेमोरी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो बिट के हिसाब से जाती है, मेमोरी स्टोर होती है तो बाइट के हिसाब से स्टोरेज होती है। अगर याद रखना सबसे छोटी यूनिट पूछे तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट होती है। मैंने तीन क्वेश्चन क्लियर किए, तीनों क्लियर हो जाने चाहिए, ये छोटे छोटे एग्जाम जैसे टीजीटी है क्लियर उनके अंदर आ जाता है, आईए के अंदर, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के अंदर आ जाता है, और भी बहुत सारे जैसे पीओ का एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। याद रखना मेमोरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो किस फॉर्मेट में जाती है, याद रखना बिट पर सेकंड। बोलो क्लियर, क्लियर है, बिट पर सेकंड, मेमोरी ट्रांसफर करने की स्पीड बिट पर सेकंड, मेमोरी ट्रांसफर करने की स्पीड बिट पर सेकंड, मेमोरी स्टोर करने की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बाइट, और मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट पूछे तो याद आंसर देना बिट। क्लियर बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैसेज जरूर कीजिए, क्लियर कमेंट कर दीजिए, नहीं तो क्लियर लिख दीजिए या रिपीट लिख दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, अभी तक मैंने तीन क्वेश्चन तैयार करवाए आपके, तीनों क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिट के बाद अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरे नंबर पे आ जाइए निब्बल, निब्बल क्या होता है, निब्बल क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, निब्बल किसको कहते हैं, याद रखना बच्चों निब्बल कहते हैं चार बिट के ग्रुप को, फोर बिट का जो ग्रुप होता है उसको निब्बल कहते हैं, या फिर ये बोल दो हाफ बाइट, याद रखना हाफ बाइट को क्या कहते हैं, निब्बल। बच्चों इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है, इसको निब्बल कहते हैं, क्या कहते हैं, निब्बल। क्लियर बच्चों, निब्बल क्या होता है, चार बिट के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, निब्बल, या हाफ बाइट को अपन क्या कहते हैं, निब्बल। ऑप्शन एक बार ऐसा आया था, इनमें से निब्बल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर, विच रिप्रेजेंट, विच रिप्रेजेंट, विच रिप्रेजेंट ए निब्बल। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन है, समझना ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझना, पहला है वन, दूसरा है वन वन जीरो वन, तीसरा है वन वन जीरो वन, वन वन जीरो वन, और फोर्थ है जीरो। तो बच्चों निब्बल आपका ये है, ये आपकी बिट है, ये आपको बिट को रिप्रेजेंट करती है, ये भी आपकी बिट है बच्चों, याद रखिए, और बच्चों ये जो है ये आपकी बाइट है। क्लियर बच्चों, निब्बल का आंसर ये होगा, निब्बल चार बिट के ग्रुप को कहते हैं, निब्बल चार बिट के ग्रुप को कहते हैं। दीपक कुमार पालीवाल, करेक्टर क्या होता है, रुकिए, प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है करेक्टर, बताता। हाँ जी बच्चों, निब्बल चार बिट के ग्रुप को निब्बल कहते हैं, हाफ बाइट, हाफ बाइट को भी क्या कहते हैं, निब्बल। निब्बल में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, बस ये क्वेश्चन लास्ट बन सकता है। क्लियर बच्चों, ठीक है सर, 26 मार्च की क्लास रिकॉर्डिंग नहीं आई, आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी, मैं बोल दूंगा, बोल दूंगा, टेक्निकल कोई भी इश्यू हो तो आप मैसेज कीजिए, थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है इसलिए क्लास नहीं ले पाया था, अब ठीक हूँ, कंटिन्यू क्लास से ले। हाँ जी नेक्स्ट बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं, निब्बल के बाद अपन बात करते हैं बाइट। बच्चों बाइट, बाइट किसको कहते हैं, 8 बिट के ग्रुप को बाइट कहते हैं बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए,
8 बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं अपन, बाइट। अच्छा, स्टोरेज कैपेसिटी किसमें नापी जाती है, बाइट में। स्टोरेज कैपेसिटी किसमें नापी जाती है, बाइट। 8 बिट के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं बच्चों, बाइट। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन आजकल कैसे बनते हैं, गेट के क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चन, वो कैसे बनते हैं, यहां से कुछ भी नहीं बनता, बस कैपेसिटी के बारे में वो पूछ सकता है। हाँ जी, बाइट के बाद आ जाइए किलो बाइट। किलो बाइट क्या होता है, तो याद रखना किलो बाइट में 1024 बाइट होती है, 1024 बाइट होती है, 1024 बाइट को अपन क्या कहते हैं बच्चों, किलो बाइट। 1024 बाइट को क्या कहते हैं अपन, किलो बाइट। 1024 को 2 की पावर 10 कहते हैं, 2 की पावर 10 बाइट कहते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था 1 KB इक्विवेलेंट क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2 की पावर 12 बिट, क्लियर बच्चों। दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 13 बिट, फिर नेक्स्ट को ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है आपका 2 की पावर 10 बिट, क्लियर। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों आपका, फोर्थ ऑप्शन है आपका 2 की पावर 16 बिट, क्लियर। आंसर देना, क्वेश्चन क्या है 1 KB के अंदर कितनी बिट होती है। क्लियर बच्चों, एक चीज बताइए 1 KB का मतलब क्या होता है, 1 KB का मतलब 2 की पावर 10 बाइट होता है। अब बच्चों ये बाइट है सबको पता है 2 की पावर 10, और बिट में बनाना है तो 1 बाइट में 2 की पावर 3 क्या होती है, बिट होती है। बच्चों ये बाइट था और ये बिट हो गया, दोनों का बेस सेम है 2, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 13 बिट हो गया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं समझना। 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट। बहुत सारे बच्चे 1000 बाइट कर देते हैं, किलो का नाम सुनते ही 1000 बाइट कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। बोलो क्लियर। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर, याद रखना बच्चों, थोड़ा सा अलग है। बहुत सारे बच्चों ने ये देखते ही ये कर दिया, ये गलत है, ये बिट में पूछ रहे हैं, तो आंसर आपको बिट में ही देना है। बाइट में पूछता तो ये आंसर होता, और बिट में पूछ रहा है तो 2 की पावर 13 बिट होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या बच्चों, देख लीजिए एक बार। 1 KB का मतलब 2 की पावर 10 बाइट, 2 की पावर 10, और बाइट का मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या है बच्चों, बिट है। 2 की पावर 10, 2 की पावर 3 बेस सेम है, पावर जुड़ जाती है 2 की पावर 13 बिट। अच्छा ये बाइट है, अपन को बाइट में नहीं चाहिए, अपन को बिट में चाहिए। आपको पता है 1 बाइट का मतलब 8 बिट होता है, और 8 बिट को 2 की पावर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर 13 बिट। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने क्या बताया, सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, बिट से बड़ा निब्बल होता है, निब्बल से बड़ा बाइट होता है, और बाइट से बड़ा क्या होता है बच्चों, किलो बाइट होता है। बोलो यहां तक क्लियर। स्टोरेज बता रहा हूं मेमोरी का, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 1 KB का मतलब कितनी बिट है, याद रखना 2 की पावर 13 बिट है। अगर बाइट में पूछता हूं तो आपको आंसर देना था 2 की पावर 10 बाइट होता है, 2 की पावर 10 बाइट होता है। क्लियर बच्चों, किलो बाइट तक आपके सामने आ जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, मेगाबाइट। मेगाबाइट क्या होता है सुनना बच्चों, मेगाबाइट। क्लियर, अब तक जो मैंने बताया उसको ऑर्डर देख लीजिए। सबसे छोटी बिट है, बिट में 0 और 1 होता है, उसके बाद निब्बल आता है, निब्बल के अंदर 4 बिट के ग्रुप होता है, 4 बिट के ग्रुप को निब्बल कहते हैं, फिर आपका बाइट आता है, बाइट 8 बिट के ग्रुप को कहते हैं बच्चों, फिर किलो बाइट आता है, किलो बाइट 1024 बाइट को कहते हैं। याद रखना इधर बाइट है तो इधर भी बाइट है, और इसको 2 की पावर 10 बाइट कहते हैं, याद रखना ये बाइट है बच्चों। अभी तक मैंने ये समझाया कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपके साथ साथ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर आइए मेगाबाइट, मेगाबाइट का मतलब कितना होता है, तो इससे जस्ट पहले वाला देखिए, मेगाबाइट आपका यहाँ आता है, तो मेगाबाइट में इतना याद रखिए, इसका इसका 1024 ये होता है, और इसका 1024 KB क्या होता है बच्चों, मेगाबाइट होता है। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेगाबाइट तो टू ये है मेगाबाइट, मेगाबाइट को क्या लिखेंगे 1024, इससे जस्ट पहले वाला क्या है किलोबाइट। आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, बिट निब्बल बाइट किलोबाइट मेगाबाइट। क्लियर बच्चों, यहां तक सामने आ जाना चाहिए। एक बार बताइए ये 1024 और किलोबाइट को मैं लिख सकता हूं
1024 बाइट। क्लियर बच्चों, ये बाइट। अब एक बार बताइए, ये 2 की पावर 10 बाइट है और ये भी 2 की पावर 10 है और ये क्या है बच्चों, बाइट है। कुल मिला के 2 की पावर 20 बाइट। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। 1 मेगाबाइट का मतलब इतना होता है, निम्न सेट में क्वेश्चन आ चुका है, 1 मेगाबाइट का मतलब इतना होता है। तो 2 की पावर 20 किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, तो 2 की पावर कितना, 20 बाइट, 2 की पावर 20 बाइट, 2 की पावर 20 बाइट। क्लियर, देख लीजिए अगर आपके क्लियर है तो। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, क्लियर है। चलिए अब बच्चों इसके आगे बढ़ रहा हूं मैं। मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद क्या आता है बच्चों, गीगाबाइट। ये कितना होता है, 1024 मेगाबाइट होता है। बच्चों जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चलता जाएगा। गीगाबाइट वापस सुन लो, बिट, बिट के बाद निब्बल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर क्या है बच्चों, गीगाबाइट। क्लियर, आजकल का जो स्टैंडर्ड है बड़े एग्जाम का, वो इससे आगे का पूछा जाता है। क्लियर, तो देख लेंगे अपन, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। गीगाबाइट इजी टॉपिक आज, आज सबसे इजी है, लेकिन सबको पता है फ्लोटिंग पॉइंट जब ना समझ में आएगा, जब आपके क्लियर होना चाहिए कि वर्ड क्या होता है। करेक्ट, क्लियर बच्चों, ये सब आपके समझाया जाएगा, करेक्टर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, बाइट क्या होता है, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। फिर मेमोरी में एडजस्ट कैसे होते हैं वो सब कुछ आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ये क्या है बच्चों, गीगाबाइट। क्लियर, गीगाबाइट इसका मतलब मैं यहीं पर बना दूं या नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। देखिए गीगाबाइट क्या है, सुनना बच्चों, सबसे छोटा बिट होता है, बिट के बाद क्या होता है, तो बिट के बाद निब्बल होता है, निब्बल से बड़ा क्या होता है, निब्बल से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा क्या होता है, किलोबाइट होता है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, और अब किसकी बात चल रही है, गीगाबाइट। याद होते चलना चाहिए। एक बार बताइए गीगाबाइट का मतलब क्या होगा, तो 1024 मेगाबाइट होगा, और मेगाबाइट तो ये 1024 मेगाबाइट का मतलब 1024 ये क्या हो गया बच्चों, बाइट। जहां तक क्लियर होना चाहिए बच्चों, 2 की पावर 10 है, ये भी 2 की पावर 10 है, ये भी 2 की पावर 10 है, और ये क्या बन गया बच्चों, बाइट। इसका मतलब 2 की पावर 30 बाइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है एम सेंटेंस के अंदर। क्लियर बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये अधिकतर नहीं आता, अधिकतर 2 के फॉर्मेट में आता है। कहां तक पहुंच गया अपन, गीगाबाइट। अब गीगाबाइट के बाद आपको मैं क्लियर कर देता हूं, एक होता है टेराबाइट। क्या होता है बच्चों, टेराबाइट। तो बच्चों आप बोल दीजिए टेराबाइट का मतलब क्या होता है, तो 1024 गीगाबाइट होता है। अब बच्चों इसको बनाना है तो 2 की पावर 40 आ जाएगा। देखो 30, अब की बार 1000, 2 की पावर 10 हो लग गया। याद रखना टेरा, टेरा मतलब 40, टेरा मतलब 40, और पेटा मतलब 50, पेटा मतलब 50, नाम में पता चल रहा है पेटा, पेटा मतलब 50। बोलो क्लियर, तो आप बताइए 2 की पावर 40 क्या है बच्चों, बाइट। क्लियर हो जाना चाहिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टेराबाइट, बिट, निब्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और टेराबाइट के बाद पेटाबाइट। क्लियर बच्चों, अच्छा बहुत सारे इनके नाम में कंफ्यूज रहते हैं, इसको किलोबाइट कहते हैं, इसको मेगाबाइट कहते हैं, इसको गीगाबाइट कहते हैं, इसको गीगाबाइट कहते हैं, इसको टेराबाइट कहते हैं, इसको टेराबाइट कहते हैं, और इसको पेटाबाइट कहते हैं। क्लियर बच्चों, और पेटाबाइट का क्या मतलब होगा, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, पेटाबाइट का मतलब पी से याद रखना, पेटा पी, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 50 बाइट। याद रखना टेरा पेटाबाइट इसका 1024 होता है, 1024 टेराबाइट होता है। क्लियर बच्चों, इनके ऑर्डर को ध्यान रखना, एक क्वेश्चन फिक्स आता है वो आपको भी पता है, एक क्वेश्चन फिक्स आता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि कैसे तरीके के क्वेश्चन बन सकते हो। अब सुनना बच्चों, एक क्वेश्चन जो आया उसको समझना, 1 पेटाबाइट मीन्स, क्लियर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1 पेटाबाइट का मतलब क्या है, तो 2 की पावर 40 बाइट, एक ये क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 53 बिट्स, एक ये ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है इसका थर्ड ऑप्शन है 2 की पावर 50 बिट्स, क्लियर, और फोर्थ ऑप्शन है इसका 2 की पावर 63 बिट। क्लियर बच्चों, देखिए आप क्या है बच्चों, पेटाबाइट।
तो आपके दिमाग में कैसे लाना है, सुनना आप। सबसे पहले क्या होता है, बिट होता है, फिर निम्पल होता है, ये दिमाग में लाना आपको। और ये क्या होता है, बाइट, इसके बाद किलोबाइट, इसके बाद मेगाबाइट, इसके बाद गीगाबाइट, इसके बाद टेराबाइट, इसके बाद पेटाबाइट। क्लियर बच्चों? तो याद रखना, पेटाबाइट का मतलब यहीं से चलते हैं। ये 2 की पावर 10 होता है, ये 2 की पावर 20 होता है, ये 2 की पावर किलो से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर बच्चों? बहुत सारे बच्चे किलो का मतलब आते ही 1000 बाइट कर देते हैं। 1000 बाइट नहीं चलता, मेमोरी 2 की पावर में चलती है, इसलिए 2 की पावर 10 को क्या कहते हैं, किलो कहते हैं। 2 की पावर 10 का मतलब 2 × 2 × 2 × 10 times, और इसका मतलब 1024 होता है। बोलो क्लियर? 1024 होता है। वो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, लेकिन 1 किलो बाइट में 1000 बाइट नहीं होता। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है और किलो का मतलब तुम 1000 कर देते हो, वो गलत हो जाता है। 1 किलो बाइट का मतलब 1024 बाइट होता है। क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार बताइए, किलो तो यहीं से स्टार्ट हो जाओ, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, बच्चों 2 की पावर 40, और ये 2 की पावर 50। लेकिन ये बच्चों क्या चीज है, ये बाइट है सब। ये क्या है, बाइट। अब कैसे बनाते हैं ये सामने आ जाना चाहिए, ऑर्डर दिमाग में रखना है। क्लियर बच्चों? और अगर मान लीजिए वो ये कहे कि इसके मल्टीपल में बताओ, तो 1024 के भी बोलना। अच्छा, इसको जब बोलोगे तो इसके मल्टीपल में बताना है, 1024 एम भी बोलना। सब कुछ क्लियर है, कुछ भी रटना नहीं है। सब कुछ क्लियर है, कुछ भी रटना नहीं है। क्लियर बच्चों? यहां पर आ जाइए, टीबी 1024 क्या हो जाएगा, जीबी हो जाएगा। पेटाबाइट 1024 क्या हो जाएगा, टेराबाइट। इस तरीके से चलता है बच्चों। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है निमसेट का, किसी ने पेपर देखा है पुराना, तो निमसेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 पेटाबाइट का आंसर क्या है। बच्चों ने ये कर दिया, ये तो गलत है ना बच्चों। देखिए बिट है, ध्यान रखिए, ये बाइट बोल रहा है, पेटाबाइट। तो पेटाबाइट बच्चों ये जो होता है ना पेटा, ये तो बाइट होता है, ये गलत है, ध्यान रखना, ये मत करना, ये सही है। क्यों है, देखो 2 की पावर 50, अलर्ट रहना बिल्कुल। ये क्या है, 2 की पावर 50 क्या है बच्चों, बाइट। क्या होता है, 1 PB, 1 पेटाबाइट का मतलब ये है। अब बच्चों इसको बिट में कन्वर्ट करना है, 2 की पावर 50, 2 की पावर 3 ये क्या हो गया, बिट। और मेरे हिसाब से 2 की पावर 53 बिट। देखो बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। एक नंबर फ्री का है, एक कन्वर्जन का ध्यान रखना, कैसे कन्वर्जन होता है। क्लियर बच्चों? हाँ जी, देख लीजिए एक बार, जस्ट आपके सामने एक बार देख लीजिए। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है तो बताइए। क्लियर, क्या क्या बता दिया मैंने, देखिए आप। सबसे पहले क्या होता है, बिट होता है, याद हो जाना चाहिए, बिट होता है। और फ्री का नंबर है, ये फ्री का नंबर है, कोई मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल फ्री का नंबर है। सर 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, ठीक है, 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है। देखो मान लो 1 बाइट है, 1 बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट, या इसको ये लिख सकता हूं 2 की पावर 3 बिट। 2 की पावर 3 क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 होता है, ये 4 होता है, 4 × 2, अच्छा ये 4 बन गया, 4 × 2 = 8 होता है। तो याद रखना, मेमोरी 2 पे ही चलती है, तो 2 की पावर 3 बिट लिख सकता हूँ, समझ में आ गया होगा। तो याद रखना 1 byte 8 bit, 8 बिट को 2 की पावर 3 बिट, क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है विनोद, मजा आ गया सर, हाँ मजा आता रहेगा, आ जाएगा ना सब कुछ। देखिए समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। स्पीड ज्यादा हो तो बोल दीजिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर स्पीड बहुत फास्ट कर देते हो, वो आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। हाँ जी बच्चों, देखो बच्चों अभी तक मैंने क्या बताया, ये क्लियर हो जाना चाहिए, प्रियंका ने पूछा था, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों एक बार वापस आ जाइए, सब कुछ याद करते हुए चलना है। बिट है, बिट के बाद निम्पल है, इनके ऑर्डर बहुत पूछते हैं, इनको ऑर्डर से जमाइए। तो सबसे छोटा बिट है, बिट के बाद निम्पल है, निम्पल के बाद बच्चों बाइट है, अच्छा बाइट के बाद किलो बाइट है, फिर किलो बाइट के बाद क्या मेगा बाइट है, फिर गीगा बाइट है, फिर टेरा बाइट है। क्लियर बच्चों? और टेरा बाइट के बाद, मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, टेरा बाइट के बाद पेटा बाइट है। क्लियर बच्चों? लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पेटा बाइट का मतलब पी से याद रखना 50, 2 की पावर 50 बाइट। क्लियर, 50 का याद रखना। क्लियर बच्चों?
अब चलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने बहुत सारे करा दिए, अब 10 के ऊपर भी चलते हैं। किलो को लगभग लगभग 10^3 बाइट कहते हैं, ये लगभग लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब केवल 1000 होता है। क्लियर बच्चों, याद रखना तुम बड़े एग्जाम देने जा रहे हो, टीचर भर्ती कोई छोटा एग्जाम नहीं है, कोई आईए का एग्जाम नहीं है, ध्यान रखना आईए का एग्जाम नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना कि आईए की तैयारी कर लेंगे तो टीचर बन जाएंगे, नहीं, टीचर की तैयारी करते हो तो आईए बन जाओगे। क्लियर बच्चों, तो सुनना, 2^3 बाइट कहते हैं इसको लगभग लगभग, बच्चों इसको 10^6 बाइट कहते हैं, 10^ क्या कहते हैं, 6, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, 10^ क्या कहते हैं, 6 बाइट, याद रखना क्योंकि इसका इससे गुना करने पे ये आता है, मतलब हर बार बढ़ते हैं तो 10^3 बढ़ता है, और 2 के ऊपर 10 बढ़ती है, 2 के ऊपर 10 बढ़ती है, आप बताइए 2 के ऊपर ये 10 बाइट है। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर आइए, फिर 10 बढ़ जाएगी बच्चों, 20 हो जाती है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, 10 बढ़ती है बच्चों, ये कितना होगा, ये 30 होगा, और ये 2^40 ये क्या होगा, बाइट, याद रखना ये बाइट चल रहा है, कभी वो बिट में पूछे तो 2^3 से और मल्टीप्लाई कर देना, अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। अब 10 के ऊपर आ जाए, 10 के ऊपर लिखना है, ये तो 2 के ऊपर लिखना है, अब 10 के ऊपर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि याद रखना एग्जैक्ट वैल्यू तो आपकी ये है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आपकी ये है। अगर 1 पेटाबाइट में बाइट पूछे तो क्या होगा, 2 को 50 बार गुना करना, खुद को गुना करना, जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन बच्चों 10 के ऊपर भी पूछ लेता, अप्रोक्सीमेट 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट होती है, तो 10^6 बाइट अप्रोक्सीमेट होती है, लगभग 10 लाख, 10^6 का मतलब 10 लाख, 1 मेगाबाइट में लगभग 10 लाख बाइट होती है, याद रखना मेगाबाइट में 10 लाख बाइट होती है, क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर 3 बढ़ती है बच्चों, क्लियर, याद रखना बच्चों, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको मिलियन कहते हैं, मिलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, मिलियन, याद रखना इसको मिलियन कहते हैं, और इक्वेशन क्या आया था सुनना, गेट में इक्वेशन था 1 मिलियन बाइट, मतलब क्लियर, क्वेश्चन क्या था मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन था 1 मिलियन बाइट, 1 मिलियन बाइट इक्वल टू, ये क्वेश्चन था, क्लियर बच्चों दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन ये था 1 मिलियन बाइट इक्वलेंट कितना होगा, तो याद रखना बच्चों क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 मिलियन बाइट बराबर कितना होगा, और आंसर 2^20 बाइट, ये दूसरा ऑप्शन है 10^6 बाइट बच्चों, ये तीसरा ऑप्शन है 1024 किलोबाइट, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्लियर बच्चों, समझने की कोशिश करना, मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं उसको समझना, 1 मिलियन बाइट का क्या मतलब है, तो देखिए मिलियन सबको पता है, मिलियन किसको कहते हैं, 10^6 को मिलियन कहते हैं, अपन कहते हैं ना यार वो तो मिलियन ही आ रहा है, मिलियन है उसके पास, मिलियन पैसा है, इसका मतलब उसके पास 10 लाख रुपए है, मिलियन 10^6 इसका मतलब उसके पास 10 लाख रुपए है, मिलियन है, कोई कहे वो तो बिलियन ही आ रहा है, बिलियन पैसा रखता है, बिलियन, तो याद रखना मिलियन का 10^3 से मल्टीप्लाई करने पर बिलियन आ जाता है। हाँ जी क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, 10^6 को मिलियन कहते हैं। यहाँ पर आइए 1 मिलियन बाइट क्या होता है, 1 मिलियन बाइट ये क्या है बच्चों, किलोबाइट, ये क्या है बच्चों, मेगाबाइट, मेगाबाइट को 10 पे लिखिए, क्या लिखोगे, किलो 10^3 होता है किलो, अच्छा 2 पे लिखना है, 2^10 होता है किलो, दिमाग में रखो ये ऑर्डर, दिमाग में रखो 2 के ऊपर 10^10 बढ़ती है और 10 के ऊपर 3 पावर बढ़ती है, क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, वो जमाना जा चुका है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, आजकल क्वेश्चन ऐसे आता है, क्लियर, समझने की कोशिश करना। हाँ जी करे के बच्चों स्टार्ट, क्या हुआ, क्लियर है अंत तक, एक बार बताइए, अच्छा 2^20 बिल्कुल सही है बच्चों, मिलियन, 1 मिलियन बाइट का मतलब 2^20 होता है, 10^6 बाइट बिल्कुल सही है, 1024 किलोबाइट बिल्कुल, क्योंकि इसका 1024 बाइट से मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाता है,
क्लियर बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। सर जीबी 10 की पावर 9 होगा, जीबी तो होगा, जीबी होगा सृष्टि, अभी तो यहीं पर अपन, ठीक है। अच्छा एक बार बताइए, एक बार बताओ बच्चों, ये तीनों सही है या नहीं है? तीनों सही है, क्योंकि याद रखना इसको 1 मेगाबाइट भी कहते हैं और 1 मिलियन बाइट भी कहते हैं, 1 मेगाबाइट भी कहते हैं और 1 मिलियन बाइट भी कहते हैं। क्लियर है सर? जेटा बाइट भी होता है, अरे सब होता है राजा, अभी ये तो क्लियर कर लो, पेटा बाइट तक तो क्लियर कर लो, क्लियर हर तरीके के कंसेप्ट को क्लियर करो, और निम्सेट में तो भयंकर तरीके से आता है। हाँ जी यहाँ पर आइए। अब बच्चों एक बार बताइए, ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ये आपका आंसर होगा। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये बच्चों आपका आंसर होगा, क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हो, देखो बच्चों सुनना अच्छे तरीके से। अब बच्चों इधर बोलेंगे 2 की पावर 9 बाइट, बच्चों याद रखना इसको गीगा बाइट कहते हैं और इसको बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। 1 जीबी का मतलब 1 बिलियन बाइट होता है, या फिर याद रखना 2 की पावर 30 बाइट होता है। बिल्कुल नहीं रखना, ऑर्डर दिमाग में रखना है, किलो बाइट है, 2 की पावर 10 होता है। अच्छा 10 का लिखना है तो 3 3 बढ़ाना है, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चलिए, अच्छा यहाँ आ जाइए, 2 की पावर 2 की पावर सॉरी इधर 10 लिखना है, तो ये लगभग 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 क्यों लगा रहा हूँ, सबके क्लियर हो जाना चाहिए। 10 की पावर क्या आएगा? 12 बाइट। अच्छा क्यों हो रहा है? 10 के ऊपर 3 3 पावर बढ़ेगी, पेटा बाइट, तो याद रखना 10 की पावर 15 बाइट होता है। क्लियर बच्चों, इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है, मेरे हिसाब से समझाने की कोशिश की, क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी हाँ जी बच्चों चले आगे, नेक्स्ट चलिए, इसको देख लो एक बार, कंप्लीट देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंप्लीट देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लीजिए, आपके जस्ट सामने क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ जी बच्चों क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या क्या बता दिया मैंने, सबसे छोटा क्या होता है? फिट होता है, फिर निप्पल होता है, दिमाग में लाते रहिए, यही सब कुछ आपका सॉल्यूशन देगा, यहीं पर सारा राज छुपा हुआ है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं? मिलियन कहते हैं, और 10 की पावर 9 को बिलियन कहते हैं, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, बिट निप्पल कितना भी टफ पेपर बन जाए, मैं आपको गेट के लेवल से पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। मैं मान ही नहीं रहा कि आप थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जो भी पढ़ाऊंगा हाईएस्ट डीप में पढ़ाऊंगा, लेकिन रटवाऊंगा नहीं बच्चों, सब कंसेप्चुअल है, ये सीधी दिमाग में रहनी चाहिए, उधर भी बना लोगे इधर भी बना लोगे। बाइट की जगह बिट पूछे तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट चलिए, और इधर अगर मल्टीप्लाई करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि सबको पता है बाइट को बिट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं, बिट होता है, फिर निब्बल होता है, फिर क्या होता है? बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है, फिर पेटाबाइट होता है, क्लियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहां से मैंने स्टार्ट किया था बनाना, 2 की पावर 10, 10 की पावर 3, 2 की पावर 20, 10 की पावर 6, 2 की पावर 30, 10 की पावर 9, 2 की पावर 40, 13 से पता चल रहा है 40, और यहाँ पर 10 की पावर 12, क्लियर। और इसी तरीके से ये था, यह अंदर क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, बिट निब्बल बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट पेटाबाइट, अब बच्चों एक्साबाइट, 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 क्लियर बच्चों, एक्साबाइट, इसके ये तो लिख ही दिया था मैंने, इसको पेटा कहते हैं, इसको टेरा कहते हैं, इसको एक्सा कहते हैं, क्लियर बच्चों, क्लियर। इसके बाद जेटोबाइट एक्साबाइट ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जेटाबाइट क्या बच्चों? जेटाबाइट और योटाबाइट, योटाबाइट ये 3 और समझो, फिर इसके बाद भी होता है,
लेकिन यहां तक तो क्वेश्चन आने लग गया बच्चों, इसको जेटा बाइट को जेड भी कहते हैं और इसको इसको वाई भी कहते हैं। क्लियर? योटा बाइट, योटा बाइट, और सबको पता है, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। बताइए ये कितना होता है? 2 की पावर 10 बाइट होता है। याद रखना, बाइट बार बार नहीं लिखूंगा। ये 2 की पावर 20 होता है, ये 2 की पावर 30 होता है, ये 2 की पावर 40 होता है। तुम खुद बना लोगे, रटने की जरूरत नहीं। पेटा याद रखना, पेटा पी 50 50। क्लियर बच्चों? अच्छा याद रखना, पेटा ये 10 की पावर 3 होता है, ये 10 की पावर 6 होता है, इसको मिलियन भी कहते हैं। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मिलियन बाइट का मतलब 10 की पावर 6 बाइट बोलो, 1 मेगाबाइट बोलो, या 2 की पावर 20 बाइट बोलो, एक ही बात है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, बोलो बच्चों, ये मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, तो ये कैसे बना रहा हूं? अब तो याद हो ही जाना चाहिए, रटना नहीं है बच्चों। तुम रटते हो, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। पेटा 15, पेटा 50, ये पेटा है ना, ये आप दिमाग में रख लेना, इससे आगे बढ़ने का एक तरीका है। पेटा तक आपको मैंने रटवा दिया, पेटा तक आपको समझा दिया। पेटा के बाद आ जाइए एक्साबाइट। बच्चों बोलो, ये 2 की पावर कितना? 60 होगा। ये एक्साबाइट 10 की पावर 18 होगा। बच्चों जेटाबाइट है, तो बच्चों ये 2 की पावर 70 होगा जेटाबाइट, और ये 10 की पावर कितना होगा? 21 होगा। तीन तीन बढ़ता जाए। योटाबाइट, ये 10 की पावर, ये 2 की पावर 80 होगा योटाबाइट। क्लियर? और ये 10 की पावर 24 होगा। क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए, कोई भी डाउट हो तो बोलिए। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कोई भी डाउट हो तो बोलिए। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो तो बोलिए। ये एक्साबाइट, ये जेटाबाइट, ये योटाबाइट। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलिए। अच्छा कहां तक निकल गया ये? 2 की पावर 100 तक आ चुका है, 2 की पावर 100 तक आ चुका है, और यहां पर 2 की पावर 30 तक आ चुका है, 10 की पावर 30 तक आ चुका है, इधर 10 की पावर 30 तक, और उधर 2 की पावर 100 तक। क्लियर? बता देता हूँ, उनके बारे में बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। यहां से क्वेश्चन आएगा आपके पास, एक बार देख लो इसको अच्छी तरीके से, ये आपके सामने है, कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ जी, कमेंट नहीं आया बच्चों? क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों यही समझा देता हूं मैं। एक होता है बोरंटो बाइट। क्लियर? देखिए ये तीन तीन की लेयर में बना रहा हूं ताकि आपके क्लियर हो जाए। बोरंटो बाइट, बोरंटो बाइट। क्लियर बच्चों? याद रखना, ये 2 की पावर 90 बाइट होता है, इधर ये 2 की पावर 27 होता है। क्लियर बच्चों? एक होता है जियो बाइट, जियो बाइट। क्लियर बच्चों? सबसे बड़ी यही होती है, अभी तक जितना भी निकला है जियो बाइट, ये 2 की पावर 100 होता है, और ये 10 की पावर कितना होता है? 30। इसको जियो बाइट कहते हैं, ऐसे मत लिखना, जीई बाइट, जियो बाइट। अच्छा जीबी कर देंगे तो गीगा बाइट हो जाएगा। खैर ये एग्जाम में नहीं आते दोनों, लेकिन ये आ चुके हैं 2020 तक, ये सब डेवलप हो चुके हैं, इतनी मेमोरी की साइज डेवलप हो चुकी है। क्लियर बच्चों? इनके नाम पढ़ चुके हैं, इसको बोरंटो बाइट कहते हैं, इसको जियो बाइट कहते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में अंत तक आता है, याद रखना, योटो बाइट तक आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? अभी मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूं, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। क्लियर? फाइंड द लार्जेस्ट यूनिट, फाइंड द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, ऑफ मेमोरी। ये क्वेश्चन आ चुका है, सुनना आप। पहला है जेड बी, जेटोबाइट, योटोबाइट, पेटाबाइट। क्लियर बच्चों? और एक्साबाइट। आंसर देना, तो बच्चों इनमें से क्या आपका आंसर था? देखो बच्चों, जेड बी, जेटाबाइट, योटाबाइट यहां पर, पेटाबाइट ऊपर रह गया, एक्साबाइट यहां रह गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? योटाबाइट। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर? ये मैंने पूरा समझाया आपको, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। क्लियर बच्चों? क्लियर कर लीजिए क्या क्वेश्चन।
हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन और है जो काफी इंपॉर्टेंट है। वन योटा बाइट। देखो एक जो क्वेश्चन है ये तो एक तो ये बहुत आता है, वन बिलियन बाइट इक्विवेलेंट, इसका क्वेश्चन बहुत आता है, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। 1 बिलियन बाइट का मतलब क्या है? अब अपन को कुछ भी आइडिया नहीं तो अपन को तो वही पता है ये सबसे छोटी बिट होती है। ऑर्डर भी पूछ सकता है, ऑर्डर के हिसाब से बताइए सबसे छोटा क्या है। तो बच्चे सबसे छोटी बिट होती है, बिट से बड़ा निब्बल होता है, निब्बल से बड़ा बाइट होता है। अपन को रटके थोड़ी जा रहे हैं, वह बनाना आना चाहिए। बाइट होता है, फिर किलो बाइट होता है, फिर मेगा बाइट होता है, फिर गीगा बाइट होता है, फिर टेरा बाइट होता है, क्लियर बच्चों, और फिर पेटा बाइट होता है। ये मैंने आपको बता दिया, टेरा बाइट के बाद पेटा बाइट, फिर क्या होता है, फिर एक्सा बाइट होता है, जेटा बाइट होता है और योटा बाइट होता है, फिर बोरंटो बाइट होता है, क्लियर बच्चों, फिर जियो बाइट होता है। यहां पर आए बच्चों एक बार बताओ, बिट निब्बल बाइट। अब बाइट और किलो बाइट से मैंने आपको बनाना सिखाया था, क्योंकि बाइट तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 8 बिट कहते हैं, इसको 4 बिट कहते हैं या हाफ बाइट कहते हैं, इसको 0 और 1 कहते हैं, क्लियर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आइए, ये 10 की पावर 3 होता है, ये 10 की पावर 6 होता है, इसका एक नाम है, उस नाम का बारे में बताया, वो मिलियन कहलाता है। और ये बच्चों ये 10 की पावर 9 होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों इधर देखोगे आप तो ये 2 की पावर 10 होता है, ये 2 की पावर 20 होता है, ये 2 की पावर 30 होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 1 बिलियन बाइट क्या होता है, तो सुनो आंसर। फर्स्ट आंसर है 2 की पावर 1 बिलियन, इसको कहते हैं, तो 1 बिलियन मतलब इसको बिलियन, ये मिलियन है, ये किलो है, क्लियर बच्चों, सन में आ जाना चाहिए। हाँ जी, तो बच्चों 2 की पावर 30 बाइट भी सही है। अच्छा 2 की पावर 33 बिट भी सही है। बच्चों 10 की पावर 9 बाइट भी सही है। और बच्चों 8 × 10⁻¹⁹ बिट भी सही है, क्लियर, ये सही, सारे आंसर सही है। और ज्यादा ही कुछ बोले तो ये भी देख सकता ऑप्शन में, सुनना 1024 MB, ये भी सही है, मेगाबाइट, क्योंकि गीगाबाइट है तो पीछे वाले से बना है। बच्चों ये भी सही है, मेगाबाइट भी सही है। और अगर वो ये कहे कि सर और बताइए, तो और बता सकते हैं अपन 2 की पावर 20 मेगाबाइट भी सही, क्लियर, क्योंकि 2 की पावर 20 मेगाबाइट भी सही, सॉरी 2 की पावर 10, क्यों, क्योंकि मेगाबाइट को 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 की पावर 10 मेगाबाइट, क्योंकि देखिए इसको 2 की पावर 10 कह सकते हैं, क्लियर बच्चों, ऐसा बना सकते हो, क्लियर हो जाना चाहिए। या फिर ये भी बोल सकते हो कि 2 की पावर 20 किलोबाइट भी सही, क्योंकि किलोबाइट से 2 कदम आगे जाएंगे तो 2 के ऊपर 10 पावर बढ़ेगी, बोलो क्लियर, ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, अब तक जो पढ़ाया वो बताइए, कोई डाउट है क्या, बढ़ता क्रम घटता क्रम ये क्लियर हो जाना चाहिए, देख लीजिए कितने क्वेश्चन का झगड़ा चल रहा है, केवल एक क्वेश्चन यहां से आता है बच्चों, मेमोरी यूनिट से। कल अपन चलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इससे पहले ये बता दीजिए क्लियर है क्या, क्लियर है, विनोद कह रहा है, सृष्टि कह रही है यस सर, अजय सोनी यस सर, ठीक है, किसी को अगर रिपीट करवाना है तो बोल दीजिए मैं रिपीट कर दूंगा। बाकी आज मैंने स्पीड कम कर लिया, कुछ बच्चों की शिकायत आ रही थी सर स्पीड फास्ट थी, ठीक है मैंने कम कर लिया, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब बच्चों कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे, थोड़ा टाइम रह गया तो मैं बता देता हूँ, बाकी मैं आपको सी में जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे कि करेक्टर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, ये सब कुछ, क्लियर। हाँ जी, लेकिन बच्चों कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए, सर करेक्टर के बारे में बताइए और वर्ड के बारे में बताइए, कुछ टाइम बच गया इसलिए बता रहा हूँ, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो कर लेंगे अपन, क्लियर। देखिए हाँ जी बच्चों चलें, एक तो क्वेश्चन ये पूछ रहे थे सर करेक्टर क्या होता है, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं, ये टॉपिक से अटके हैं, अपने टॉपिक से अटके, टॉपिक खत्म हो चुका है, क्या था आज, मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी है, क्लियर। लेकिन कुछ क्वेश्चन आए थे सर करेक्टर क्या होता है और वर्ड क्या होता है, ये समझा,
करेक्टर होता है उसको बाइट भी कहते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्टर को बाइट कह सकते हैं। एक करेक्टर एक बाइट का होता है। करेक्टर ये होते हैं जो कीबोर्ड की कीज है, जो कीबोर्ड की की है, कीबोर्ड की जो की है उनको करेक्टर कहते हैं। जैसे मैंने अरविंद लिखा तो ये कितने करेक्टर का नाम है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 करेक्टर का नाम है। क्या है बच्चों? अरविंद। तो जब मैं अरविंद लिखता हूं ना बच्चों, तो जब मैं कीबोर्ड पे टाइप करता हूं, मान लो ये कीबोर्ड है, दो क्वेश्चन आए थे, मैं फिर हट गया, लिंक से हट गया। आपने पूछा सर करेक्टर क्या होता है, इसका बहुत बार नाम सुना है, करेक्टर होता क्या? तो कीबोर्ड दिमाग में लाइए आपकी, उसकी कीज होती है, ऐसी की होती है, और इन सब की की आस्की वैल्यू होती है। अरविंद है मान लो, या ए है, तो मैं ए को प्रेस करता हूं, ए को प्रेस करता हूं, तो इस ए की जो डेसिमल वैल्यू है वो 65 है, और वो 65 क्या चीज है? वो आस्की वैल्यू है इसकी। क्लियर? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सुनना पूरा, करेक्टर समझा रहा हूं। एक करेक्टर एक बाइट के इक्विवेलेंट होता है। करेक्टर की शेप इस तरीके की होती है, ऐसा लगा होता है उसका मतलब करेक्टर होता है। क्लियर बच्चों? अगर मान लो मैं 5 के ऊपर ऐसा लगा देता हूं, इसका मतलब कीबोर्ड की की है जो 5 जो 5 को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसका मतलब 5 नहीं है बच्चों। क्लियर? 0 होता है तो इसका मतलब 0 नहीं है बच्चों, कीबोर्ड की है, इसका मतलब है 48। क्यों है इसका मतलब 48? क्योंकि ये तो करेक्टर है, करेक्टर है, करेक्टर है। इनका कोई मतलब होता है तो डेसिमल में वो मतलब 65 होता है। अब बच्चों जैसे ही मैंने ए प्रेस किया तो अपन को पता है कि उसकी आस्की वैल्यू 65 है, 65 जाएगा, और 65 किस में कन्वर्ट होगा? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमेशा बाइनरी में होती है। प्रोसेसिंग किस में होती है बच्चों? बाइनरी। तो ये 65 बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 1 2 4 8 16, 32 64, बच्चों 1 और बाकी सब 0। सबको पता है ये जो कोड है, ये जो कोड है ना बच्चों, ये कोड अंदर जाएगा, ये सीपीयू के पास जाएगा, और सीपीयू पहचानेगा कि उसने की को जो प्रेस किया उस की का नाम है ए। वापस सुनिए, करेक्टर, करेक्टर का फॉर्मेट ऐसा होता है, जब मैं ऐसा लिखता हूं ये कीबोर्ड की को बताता है, जब मैं ऐसा लिखता हूं ये नंबर को बताता है कि डेसिमल 5 को जोड़ना है। बच्चों ये कीबोर्ड की है, इसका मतलब डेसिमल में 48 होता है, और इस 5 का मतलब 5 होता है। जब मैं कीबोर्ड पे 5 प्रेस करता हूं वो 5 ये होता है। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। जब कीबोर्ड पे मैं 5 लिखता हूं तो 5 ये होता है। क्लियर बच्चों? याद रखना, जो अपन कैलकुलेशन करते हैं, पैसा उधार देते हैं, लेते हैं, वो 5 ये होता है, दोनों में अंतर है, याद रखना। 0 की आस की वैल्यू अभी मैंने लिंक सेट के थोड़ा सा बता दिया क्योंकि टाइम है आपके पास। 0 को 48 कहते हैं, 1 को 49 कहते हैं, 2 को 50 कहते हैं, 3 को क्या 51 कहते हैं, 4 को 52 कहते हैं, और 5 को क्या कहते हैं बच्चों? 53 कहते हैं। जब मैं ऐसे करता हूं तो ये 5 ही है, ये ओरिजिनल 5 है, लेकिन बच्चों ये जब मैं करता हूं तो करेक्टर 5 है। ये क्या है बच्चों? करेक्टर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 53 होती है। क्लियर? ये 5 नहीं लेके इसको 53 लेता है। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। वापस सुन लीजिए, कीबोर्ड की कीज है, जब मैं प्रेस करता हूं तो इसकी एक वैल्यू होती है, उसको आस्की वैल्यू कहते हैं। आस्की की फुल फॉर्म क्या है ये सब पढ़ाया जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए को प्रेस किया, ये वाला ये है, ये जैसे ही मैंने प्रेस किया और प्रेस करते ही बच्चों 65 डेसिमल है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 65 है, लेकिन वो डेसिमल में, डेसिमल 65 है, मेरे को पता है कि डेसिमल 65 है, लेकिन ये बाइनरी में कन्वर्ट होकर ऐसे जाता है। प्रोसेसिंग इसकी होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कौन से कोड में करता है? बाइनरी कोड में करता है। इंसान का कोड क्या? डेसिमल कोड। करेक्टर की पहचान क्या है? तो करेक्टर की ये पहचान होती है, ये कीबोर्ड की कीज है। कीबोर्ड की की 5 प्रेस करेंगे तो क्या 5 जाएगा? क्या नहीं जाएगा? 53 जाएगा। फिर 53 भी नहीं जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और प्रोसेसिंग बाइनरी में होती है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और एक करेक्टर एक बाइट का होता है। क्लियर बच्चों? आस्की कोड 7 बिट का होता है, ये सब समझाएंगे आपको। देखो ना बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 7 बिट का होता है। आस्की कोड 7 बिट का होता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए।
करेक्टर कोई भी पूछे करेक्टर की साइज बताओ, तो करेक्टर की साइज फिक्स है 1 byte। क्लियर, अभी तो मैं करेक्टर पे इतना ही बताऊंगा कि करेक्टर होता क्या है, कीबोर्ड की होती है, कीबोर्ड की प्रेस करते हैं तो क्या वही जाता है, नहीं जाता, उसकी डेसिमल वैल्यू जाती है, क्या प्रोसेसिंग डेसिमल में होती है, क्या नहीं होती, बाइनरी में होती है, तो जो ASCII वैल्यू है कौन सी वैल्यू होती है, तो ASCII वैल्यू डेसिमल वैल्यूज होती है, क्या हर की एक ASCII वैल्यू है, क्या बिल्कुल है, क्या वही नंबर है, क्या नहीं, 5 का मतलब 5 नहीं है, 5 का मतलब 53 है। क्लियर बच्चों, 5 क्या है, कीबोर्ड की है मतलब एक करेक्टर है, अगर उसको 5 लेना है तो इसका मतलब वो 53 जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, एक बार कमेंट कर दो जो मैंने वर्ड बोले वो क्लियर है क्या। कमेंट कर दीजिए, कमेंट आया नहीं बच्चों आपका, तुम तो इतना याद रख लो, करेक्टर कभी भी आए करेक्टर 1 byte का होता, करेक्टर 1 byte का होता। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, अगर ये बात निकली गई तो मैं आपको समझा देता हूं, एक क्वेश्चन आया था NIMSET में, डोन डोन जब टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग के लिए क्या जाता, कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग के लिए क्या जाता, तो एक बार बताओ, डी का जो नंबर है वो 4 है, ओ का नंबर है वो 15 होता है, एन का नंबर 14 होता है, अल्फाबेट में, अल्फाबेट के अंदर ये नंबर होता है, तो बच्चों फिर डोन की ASCII वैल्यू लिख देते हैं, ASCII वैल्यू क्या है डोन की, देखिए एक बार बताओ, ए का मतलब 65 होता है, बी का मतलब दूसरे नंबर पे 66 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 65 के अंदर जो भी वैल्यू है उससे कम जोड़, जैसे बी का नंबर अल्फाबेट में 2 है तो 65 में 2 जोड़ दो, या 64 में जोड़ दो उसका नंबर, 64 में इसका नंबर जोड़ दो, 64 में इसका नंबर जोड़ दो, भाई ए का नंबर क्या होता है अल्फाबेट में 1, तो 64 में जोड़ दो, खत्म बात, 64 में 1 जोड़ते 65 हो गया। एक बार बताओ डोन, डोन की ASCII वैल्यू बोलो, तो 64 में 4 जोड़ दो 68 होता है, 64 में 15 जोड़ दो 79 होता है, और 64 के अंदर 14 जोड़ दीजिए ये 78 होता है, कितना होता है 78, ये इनकी ASCII वैल्यू। अब बच्चों ये तो जाएगा नहीं क्योंकि ये तो डेसिमल है, डेसिमल है, मैं क्या कह रहा हूं, ये तो क्या डोन जब मैं टाइप करता हूं तो कंप्यूटर के पास क्या पहुंचता है, सीपीयू के पास क्या पहुंचता है, ये क्वेश्चन था। एक बार बताओ 68 का बाइनरी बनाना है, ये लो 1 2 4 8 16 32 64। क्लियर बच्चों, 64 1 2 4 8 16 32 64। ASCII कितने बिट का होता है याद रखना, ASCII कोड 7 bit का होता है, हर डेटा 7 bit में ही जाएगा, दिमाग में रख लो ASCII कोड 7 bit का होता है। एक बार बताइए 68 बनाना है तो ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, बाकी सब जीरो कर दीजिए, तो 68 1 0 0 0 1 0 0 ये 68 जाएगा, इसके जस्ट बाद की स्ट्रीम आपकी ये जाएगी। 79 बनाना है, 79 कैसे बनेगा बच्चों, 68 तो लीजिए ये बन गया, अब मेरे को क्या बनाना है, 79 बनाना है। सुनना बच्चों बात निकली है, करेक्टर क्या होता है तो वो मैं आपको समझा रहा हूं, जाता कैसे प्रोसेसिंग में वो मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ जी बच्चों, 79 कैसे बनेगा, ये 64 है, 64 ये लेना ही नहीं है, 16 कितना हो गया, ये तो 80 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बच्चों, ये लीजिए ये 79 हो गया, 1 0 0 1 1 1 1 ये 79 हो गया। 78 कैसे बनेगा, ये हो गया, ये नहीं होगा, 16 अगर जोड़ेंगे तो 80, ये भी नहीं होगा बच्चों, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, तो 1 0 0 1 1 1 0। क्लियर, वो ये क्या है, ये डोन है, ये जो डोन टाइप किया था ये कंप्यूटर के अंदर ऐसे ज्यादा। क्लियर बच्चों, समझ जाइए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कभी वो कहते कि ASCII कोड है, ये ASCII कोड है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों पीछे से 7-7 को अलग करना, 7-7-7 बच्चों, इसकी डेसिमल वैल्यू निकालना, डेसिमल वैल्यू निकालना इसकी, इसकी डेसिमल वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 78, उसमें से 64 हटा देना, 64 क्यों हटा रहे हो, समझ में आ गया होगा, 64 हटा देना 78 में से, ये 14 नंबर का है, 14 नंबर का अल्फाबेट क्या है, एन है बच्चों, ये 79 में से 64 हटाना है 15 नंबर का है, और बच्चों ये 68 में से 64 हटाना है 4 नंबर का है, ये डी ओ एन है, डोन है,
समझ में आ गया क्या, ये पूरा खेल समझ में आ गया क्या, क्या होता है करेक्टर, क्या होता है नाम, ये डोन नाम लिखा मैंने किस तरीके से कन्वर्ट होता है समझने की कोशिश कीजिए। आस्की वैल्यू क्या है, आस्की वैल्यू एक डेसिमल वैल्यू होती है जो बाइनरी में 7 बिट में रिप्रेजेंट होती है। क्या सभी अल्फाबेट की आस्की वैल्यू होती है? हाँ, कीबोर्ड पे जितनी की है उन सब की आस्की वैल्यू होती है। करेक्टर कितने बाइट का होता है? करेक्टर 1 बाइट का होता है, क्लियर बच्चों? लेकिन स्पेशल आस्की कोड की बात करते हैं तो 7 बाइट का होता है। हाँ जी बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कमेंट नहीं आया बच्चों। जो भी मैंने अभी बताया ये मैंने कहा था ये सब एक्स्ट्रा है, लेकिन आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको जवाब देना जरूरी था इसलिए मैंने दे दिया। कमेंट कर दीजिए, यस सर क्लियर है या रिपीट। ये क्वेश्चन आ चुका है डोन वाला, गेट का भी क्वेश्चन है, ये निमसेट का भी क्वेश्चन है, डोन वाला क्वेश्चन आ चुका है, किसी का कमेंट नहीं आया, अजीब विडंबना है। कहां चले गए सब? अर्पित, अर्पित कमेंट देख लो क्या। डियर सर मैंने लेट ज्वाइन किया है सर, सी लैंग्वेज का कोर्स। भाई बच्चों अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें सब कुछ होगा, केवल डिजिटली चल रही है, सब कुछ बाकी है इस बैच में, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, केवल डिजिटल चल रही है। सृष्टि वाले बैच में तो करवा दिया था, वो अलग बैच था, ये अलग बैच है, ठीक है ठीक है। हाँ जी बच्चों ये क्लियर है, क्लियर है सबके, ठीक है। अब बच्चों एक वर्ड और बोला था आपने कि सर वर्ड की भी साइज बताइए, वर्ड की साइज बताइए, तो ये भी मैं समझा देता हूं, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। ये अपन लैंग्वेज में पढ़ेंगे सब, करेक्टर वर्ड ये सब लैंग्वेज में पढ़ेंगे। वर्ड की साइज फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है एएलयू के ऊपर। एएलयू अगर 8 बिट का है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसके अंदर जो डेटा डालता है उसका नाम एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर अगर 8 बिट का है तो 8 बिट का वर्ड बनाता है, और 16 बिट का है तो 16 बिट का वर्ड बनाता है। वर्ड की साइज फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कंप्यूटर की कैपेसिटी के ऊपर, कंप्यूटर कौन सी जनरेशन के किस तरीके से। तो याद रखना वर्ड की साइज फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ होगी तो या तो 8 बिट होगी या फिर 16 बिट होगी या 32 बिट होगी। वर्ड की साइज 2n के रूप में चलती है। एक बार एक क्वेश्चन आया 12 बिट का वर्ड था, गलत है, 12 बिट का वर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 बिट 2 की पावर में नहीं आता है, 2 की पावर में जो आएगा वही वर्ड को बनाएगा। 2 की पावर 1 2 बिट का वर्ड हो सकता है, 2 की पावर 2 4 बिट का वर्ड हो सकता है, 2 की पावर 3 8 बिट का वर्ड हो सकता है। लेकिन याद रखना वर्ड की साइज हमेशा बाइट से ज्यादा ही लेते हैं, बाइट से ज्यादा ही लेते हैं, वर्ड की साइज हमेशा बाइट से ज्यादा लेते हैं, इसलिए मिनिमम से मिनिमम वर्ड कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, क्लियर? सबसे छोटा वर्ड की साइज क्या हो सकती है? 8 बिट, क्लियर बच्चों? ज्यादा ही होता है या बराबर होता है ये याद रखना, वर्ड की साइज हमेशा बाइट से या तो ज्यादा या बराबर होगी, इसका मतलब वर्ड या तो 8 बिट का होगा या 16 बिट का या 32 बिट का। 12 बिट का वर्ड नहीं हो सकता बच्चों, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वर्ड क्या होते हैं? पैकेज होते हैं बिट के, वो करके बताएंगे आपको। वर्ड की साइज फिक्स नहीं है, वर्ड की साइज 2n के रूप में होगी, वर्ड की साइज हमेशा बाइट से ज्यादा होगी, बाइट में 8 बिट होती है तो वर्ड की साइज स्टार्ट ही 8 बिट से होगी, 16 बिट का भी हो सकता है। अच्छे सुपर कंप्यूटर में 64 बिट आपने सुना होगा, आपने सुना होगा 16 बिट का कंप्यूटर है, 32 बिट का कंप्यूटर है, 64 बिट का कंप्यूटर है, ये क्या बोलते थे आप कि उसका एक वर्ड 64 बिट का होता है? आपने सुना होगा कि 16 बिट का कंप्यूटर है, 16 बिट का कॉन्फ़िगरेशन है, 16 बिट का कॉन्फ़िगरेशन है, 16 बिट कलर कोड है, ऐसे बोलते होंगे आप, ये क्या बोलते हो?
इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर एक साथ 16 बिट का कलेक्शन करता है। तो कंप्यूटर एक साथ प्रोसेसिंग के लिए जितने बिट का कलेक्शन करता है उसको वर्ड कहते हैं, और यह डिपेंड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। वर्ड की साइज फिक्स नहीं है, वर्ड की साइज 2 की पावर में होनी चाहिए, वर्ड की साइज बाइट से ज्यादा होनी चाहिए, बाइट के बराबर होनी चाहिए। तो वर्ड की साइज कोई फिक्स नहीं है, करेक्टर की साइज 1 बाइट के बराबर होती है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आज मैं यही खत्म कर रहा हूं, कल फ्लोटिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे। आज जो मैंने जो लास्ट चीजें बताई वो मेरे को आगे बतानी थी, लेकिन आपने कमेंट किया था और मेरे पास टाइम बच गया था, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, 3 बजे मिलते हैं, मैं तो रीजनिंग वाले भेजूंगा। आज का जो मेन चीज है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, इनके ऊपर कमांड बनाना, मेरे हिसाब से बन चुकी है। बिट का ध्यान रखना, बाइट का ध्यान रखना, 10 की पावर का ध्यान रखना, 2 की पावर का ध्यान रखना। वीडियो को 2 बार जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स। कुछ डाउट है तो बोल दीजिए, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, 1 मिनट बचा है लास्ट। ठीक है, थैंक्स।